हेलो फ्रेंड्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की ये सीरीज़ में अब तक के वीडियोस में हमने देखा है कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, यूरिन इन्फेक्शन किन किन कारणों की वजह से आपको हो सकता है, क्या क्या लक्षण उसमें दिखाई दे सकते हैं और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स की वजह से आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो सकते हैं। साथ ही में पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में क्यों ज़्यादा या बार बार यूरिन इन्फेक्शन देखे जाते हैं, इन सभी सवालों के जवाब अब तक के वीडियोस में हमने देखे हैं। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूरिन इन्फेक्शन को कैसे डायग्नोस या फिर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। साथ ही में हम देखने वाले हैं यूरिन एनालिसिस क्या होता है, यूरिन कल्चर क्या होता है, उसे कब करना चाहिए, अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है, फिर इंट्रावेनस पाइलोग्राफी या सिस्टोस्कोपी, ये इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं, इसका क्या रोल है यूरिन इन्फेक्शन के पेशेंट में, इन सभी की जानकारी आज हम लेने वाले हैं। साथ ही में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और इस वीडियो के एंड में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाली हूँ। वो ये है कि जब भी आप यूरिन सैंपल देते हो यूरिन टेस्ट करने के लिए, तो वो सही तरीका क्या है यूरिन कलेक्ट करने का, तो वो सही तरीका बहुत से पेशेंट्स या लोगों को पता नहीं होता है, तो उसके बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं डॉक्टर रुजुता राजगुरु आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर, जहाँ मैं कमिटेड हूँ महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। यूरिन इन्फेक्शन डायग्नोस करना ये बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है, क्योंकि ये डायग्नोसिस तो पेशेंट खुद लेके आता है कि मैम मुझे यूरिन इन्फेक्शन है, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए उसके लिए। जो इन्वेस्टिगेशंस हम यूरिन इन्फेक्शन में करते हैं वो सिर्फ डायग्नोसिस के लिए नहीं, बल्कि सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन जानने के लिए, कितना सीवियर इन्फेक्शन है, उस पर से मोड ऑफ ट्रीटमेंट या फिर कौन सी मेडिसिन देना या कितने ड्यूरेशन इसको देना चाहिए, ये डिसाइड होता है। फिर सबसे पहले जब भी पेशेंट क्लिनिक में आता है तो उसकी हिस्ट्री ली जाती है, यानी कि हिस्ट्री टेकिंग होती है। जैसे कि अगर पेशेंट बोलता है मुझे बार बार पेशाब हो रही है, रुक रुक के पेशाब हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है या खून आ रहा है, तो नो डाउट दिस इंडिकेट कि आपको यूरिन इन्फेक्शन है। फिर उसके बाद में डॉक्टर आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, आपका टेम्परेचर देखेंगे, पल्स बीपी देखेंगे, आपको एब्डोमेन पालपेट करके देखेंगे कि आपको कहीं दुख रहा है क्या। अगर इन्फेक्शन है तो आपकी पल्स बढ़ी भी रहेगी, टेम्परेचर बढ़े हुआ रहेगा, साथ ही में आपका पेट का निचले हिस्से में दर्द रहेगा, क्योंकि अगर ब्लैडर इन्फेक्शन है यानी कि सिस्टाइटिस है तो माइल्ड या सीवियर भी एब्डोमिनल पेन आपको रह सकता है। अगर इन्फेक्शन किडनी तक ऊपर तक गया है तो आपको बैकएक या बैक पेन भी हो सकता है। फिर आपकी जनरल कंडीशन या सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, यानी कि लक्षण कितने सीवियर है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं वो है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में यूरिन को माइक्रोस्कोप के नीचे टेस्ट करते हैं और उसमें देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, साथ ही में बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं। ये तीनों फैक्टर्स माइक्रोस्कोप के नीचे जांच करते हैं। फिर अगर वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा है, कितने हैं, क्या है, उसके हिसाब से, या RBCs कितने हैं उसके हिसाब से आपकी सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन डिसाइड होती है। फिर नेक्स्ट टेस्ट है यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर ये एक स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। यूरिन कल्चर से हमें पता चलता है कि हमारे यूरिन में कौन सा जीवाणु या फिर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है। उसी के साथ में हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी भी करवाते हैं, यानी कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स वो जीवाणु के ऊपर या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डालते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से एंटीबायोटिक को ये रिस्पॉन्ड कर रहा है और कौन से एंटीबायोटिक को ये रेजिस्टेंस हो चुका है। मतलब अगर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक हम देते हैं तो आपका इन्फेक्शन क्योर नहीं होगा, अगर सेंसिटिव एंटीबायोटिक हम देते हैं तो आपका इन्फेक्शन जल्द से जल्द क्योर हो सकता है। फिर यूरिन कल्चर थोड़ा सा महंगा टेस्ट होने की वजह से इसको रूटीनली हम एडवाइज़ नहीं करते हैं, या फिर आपके डॉक्टर आपको तभी एडवाइज़ करेंगे अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है या फिर काफ़ी ट्रीटमेंट आप अब तक ले चुके हो फिर भी आपका यूरिन इन्फेक्शन क्योर नहीं हो रहा है या आपको राहत नहीं मिल रही है, या फिर यूरिन इन्फेक्शन काफ़ी ऊपर तक यानी कि किडनी तक पहुँच चुका है, पाइलोनेफ्राइटिस आपको हुआ है, तो यूरिन कल्चर आपके डॉक्टर आपको एडवाइज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपके डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट भी एडवाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या फिर सीरम क्रिएटिनिन।
फिर बहुत सारे यूरिन इन्फेक्शन के पेशेंट्स को अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि पेट की सोनोग्राफी भी एडवाइस की जाती है। अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें पता चलता है कि ब्लैडर इन्फेक्शन अगर है तो पेशाब की थैली में कितनी सूजन है, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरेटर में तो कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, स्टोन नहीं है जिसकी वजह से बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर इन्फेक्शन कहीं किडनी तक तो नहीं गया है यानी कि पाइलोनेफ्राइटिस या फिर पेरिनेफ्रिक एप्सिस यानी पस फॉर्मेशन तो किडनी में शुरू नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें हमें सोनोग्राफी से पता चलती है। फिर बहुत से बार ये सब इन्वेस्टिगेशंस या ट्रीटमेंट लेके भी आपके यूरिन इन्फेक्शन ठीक नहीं होते हैं, सो बहुत से बार आपको यूरोलॉजिस्ट यानी कि किडनी स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया जाता है। सो वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस आपको एडवाइस कर सकते हैं जैसे कि IVP और सिस्टोस्कोपी या फिर सिटी स्कैन या फिर MRI स्कैन। सो IVP में क्या किया जाता है ना, एक बाहर से कॉन्ट्रास्ट डाई आपके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और लगभग 20 से 30 मिनट बाद आपके बॉडी के एक्सरे लिए जाते हैं। उसमें से हमें पता चलता है कि आपका यूरिनरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अगर यूरिनरी सिस्टम में स्टोन की वजह से कुछ रुकावट आ रही है तो वो यूरिनरी सिस्टम आपका सही ढंग से एक्सरे में दिखाई नहीं देगा, या फिर जन्मजात यूरिनरी सिस्टम में कुछ एबनॉर्मलिटी है तो वो भी IVP में दिखाई देगी। और सिस्टोस्कोपी में ये होता है कि एक फ्लेक्सिबल बहुत ही छोटी बारीक ट्यूब होती है जिसके सामने कैमरा यानी कि लेंस लगी हुई होती है और वो यूरेथ्रा के थ्रू पास करके हम यूरिनरी ब्लैडर को यानी कि पेशाब की थैली की जांच करते हैं। और वो जांच में हमें पता चलता है कि पेशाब की थैली में कितना इन्फेक्शन है या फिर कहीं स्टोन तो नहीं है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें सिस्टोस्कोपी से पता चलती है। सो अब तक के वीडियो में हमने देखा है कि यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, IVP या फिर सिस्टोस्कोपी, ये सब इन्वेस्टिगेशंस हमें कब और क्यों करना चाहिए। सो लास्टली हम देखने वाले हैं कि जब भी हम यूरिन टेस्ट या फिर यूरिन कल्चर के लिए यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसका क्या सही तरीका है। अगर हम ये सही तरीके से यूरिन सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो हमारी यूरिन इन्फेक्शन की रिपोर्ट सही यानी कि एक्यूरेट आएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मिड स्ट्रीम क्लीन कैच यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है। अभी मिड स्ट्रीम क्लीन कैच यूरिन सैंपल क्या होता है, तो जब भी आपको यूरिन टेस्ट के लिए यूरिन सैंपल या फिर यूरिन बॉटल या फिर यूरिन कंटेनर दी जाती है उसको लेके वॉशरूम जाना है। वॉशरूम में अगर सोप अवेलेबल है तो सोप की मदद से आपको अच्छे से हैंड वॉश कर लेना है। फिर जेनाइटल एरिया को सिर्फ प्लेन वाटर से अच्छे से क्लीन करना है और आपकी एक हाथ की मदद से फिंगर्स की सहायता से आपके जो यूरेथ्रा के बाजू में जो लेबियल फोल्ड्स है उसको सेपरेट करना है और यूरिन पास करना है। सो जब आप यूरिन पास करना शुरू करते हो तो आपको स्टार्टिंग का यानी कि फर्स्ट में जो यूरिन आती है उसको वो बॉटल में नहीं लेना है, उसके बाद में जो यूरिन है यानी कि मिड स्ट्रीम यूरिन है वो आपको कंटेनर में कलेक्ट करना है। इसकी वजह से क्या होगा कि क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होगा। क्रॉस कंटामिनेशन मतलब जो यूरिन में बैक्टीरियाज है वही बैक्टीरियाज यूरिन में आएंगे, यूरिन सैंपल में आएंगे, और जो वजाइना और एनल रीजन में जो बैक्टीरिया है वो आपके यूरिन सैंपल में नहीं आएंगे। इसकी वजह से जो भी रिपोर्ट आएगी वो आपकी सही आएगी या फिर एक्यूरेट आएगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूले। साथ ही में इस वीडियो को बेल बटन के साथ सब्सक्राइब करना न भूले ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।